12वीं का रिजल्ट हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया है। कुल छात्र जो अपीयर हुए थे 1,799 छात्र अपीयर हुए थे और इनमें फेल होने वाले छात्रों की संख्या 5,220 है और 702 छात्र छात्राएं हैं जिनकी कंपार्टमेंट आई है। कुल मिलाकर जो रिजल्ट रहा है वो 92.77% रहा है। पिछले सालों की तुलना में परिणाम बहुत बेहतर रहा है। अगर आप 2019 का देखें परिणाम तो उसमें परिणाम 69% था और 2020 का 76% ऐसा परिणाम रहा था। इस वक्त आप सभी जानते हैं कि कन्वेंशनल मेथड के आधार पर एग्जामिनेशन नहीं हुए थे कोविड-19 के कारण। 8 ऐसे इंडिकेटर्स थे, उनमें अधिकतर टीचर ने जो नंबर दिए हैं और जो एग्जामिनेशन स्कूल में फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म हुए हैं और बच्चे की पास परफॉर्मेंस 10वीं और 11वीं में कैसी रही है उसको बेस बनाकर हमने ये रिजल्ट बनाया है। जिन्होंने बच्चे जो परफॉर्मर बच्चे हैं जिन्होंने बेहतर पहले किया है 10वीं और 11वीं में, या एक पेपर हमने लिया था इंग्लिश का जो कि फाइनली एनुअल पेपर हुआ था या प्री बोर्ड में, उसको बेसिकली आधार बनाकर हमने परफॉर्मर बच्चों को भी आइडेंटिफाई किया है और बाकी बच्चों को भी अंक दिए हैं। सभी बच्चों को इसका फ़ायदा हुआ। सर, नहीं लगता कि जो कन्वेंशनल आधार पर जो है जिस तरह से आपने कहा कि उसको इस वक्त इस बार जो है उसके अलावा नया मेथड जो अपनाया गया है, जो बच्चे फेल हुए हैं उनके मन में कुछ खटका रहेगा इसलिए क्योंकि वो लास्ट में ही जाकर परीक्षाओं की जो है वो तैयारियां करते थे और वो पास आउट भी होते थे? अभी जो फेल बच्चे हैं बहुत कम बच्चे हैं और साथ ही हमने एक विंडो उनके लिए ओपन रखी है। यदि वो इंडिकेटर्स के आधार पर जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में हैं उनसे अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, फेल हो गए हैं, तो वो अगस्त और सितंबर में अपना पेपर दे सकते हैं, तो उनके लिए एक विंडो हमने रखा है तो वो सुधार कर सकते हैं। सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम किस तरह का रहा है? सरकारी स्कूलों में संख्या बच्चों की ज़्यादा है और प्राइवेट स्कूलों की संख्या कम है, लेकिन 90% से लेकर 100% बच्चे जो प्राप्त किए हैं नंबर, तो पहला बच्चा जो कुल्लू से है उसके 100% हैं, बाकी ऐसे 90% जो बच्चे हैं वो कुल मिलाकर 3,679 बच्चे हैं, यानी 3.64% बच्चे हैं जिन्होंने ये नंबर लिया। इसमें प्राइवेट स्कूलों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन 2019 और 20 में भी प्राइवेट स्कूलों की संख्या ज़्यादा ही रही है। 2.64% 2020 में जो रिजल्ट निकला था उसमें 90 से 100% बच्चे प्राप्त करने वाले जो थे वो गवर्नमेंट स्कूल के 1,213 थे और जो प्राइवेट स्कूल के थे वो 1,075 बच्चे थे, यानी वो संख्या ज़्यादा थी उनकी इन कंपैरिजन जितने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में एनरोल हुए हैं। तो इस प्रकार जी सर, जो ये पैरामीटर